नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं गोंदिया न्यूज अपडेट। आइए अब बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। गोंदिया जिले के आमगांव पुलिस द्वारा आरोपी युवक की दर्दनाक पिटाई की गई, जिसमें उसके शरीर पर दर्दनाक यातनाओं के चिन्ह उभरे हुए दिखाई दिए। आमगांव पुलिस स्टेशन के लॉकअप में आरोपी की मौत होने की घटना को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक विश्व पानसरे ने स्थानीय प्राथमिक जांच के आधार पर चार पुलिस कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी पर लापरवाही बरतने पर पुलिस निरीक्षक सुभाष चौहान, सहायक पुलिस निरीक्षक महावीर जाधव, पुलिस हवलदार चालक खेमराज खोबरागड़े, पुलिस सिपाही अरुण उइके, इन्होंने कानून व्यवस्था खराब होने, पुलिस महकमे की छवि धूमिल होने तथा गैर जवाबदारी से ड्यूटी करने के प्राथमिक आधार पर इन्हें निलंबित किया गया है। सूत्रों के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स की सखोल जांच होने के पश्चात आगे की कार्रवाई सीआईडी नागपुर की टीम द्वारा की जा रही है। सीआईडी की जांच में और कितने पुलिस कर्मचारियों के तथा गोंदिया एलसीबी के कुछ कर्मचारियों के नाम आगे आने की चर्चा आमगांव की जनता में हो रही है। इस जांच पर मृतक के परिजनों की नजर भी बनी हुई है। आज दिनांक 23 मई को मृतक का पोस्टमार्टम सीआईडी की टीम की मौजूदगी में एक्सपर्ट्स डॉक्टरों ने किया। दोपहर 2 बजे के दौरान शव को आमगांव परिजनों को सौंप दिया गया, जहां मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। आमगांव की जनता में चर्चा हो रही है कि पुलिस द्वारा मामले को बहुत ही जल्द दबाया जा सकता है। वहीं कुछ लोगों में कानून व्यवस्था को लेकर सीआईडी की जांच को लेकर भरोसा कर न्याय मिलने की अपेक्षा भी चर्चा हो रही है। गोंदिया न्यूज संपादक उमेश चतुर्वेदी की ग्राउंड रिपोर्ट। कल रात मेरे भाई को पुलिस कस्टडी में रिमांड पे लेके उसका मर्डर कर दिया पुलिस वालों ने। पहले उसका मर्डर किए और उसके बाद हमारे घर में आकर के हमारे घर का सर्च किए और मेरे को बोलते हैं 3 बजे से 5 बजे तक मेरे को पुलिस स्टेशन में बिठा के रखे कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारा नाम लिया, ये कह के मुझे 5 बजे तक बिठा के रखे और उसके बाद घर में लेके छोड़ दिए। घर में लेके छोड़े और अभी सुबह कोई पुलिस वाले हैं खोबरागड़े, उन्होंने दरवाजे में आके सिर्फ इतना बोले पुलिस स्टेशन आ जाओ करके मेरे मिस्टर को, उतना कहा तो हम सबके सब पुलिस स्टेशन के लिए आ गए। वहाँ 10 बार पूछने के बाद क्या है कहाँ है किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं बोली मैंने मेरा भाई जिंदा भेजी थी, मुझे मेरा भाई जिंदा चाहिए। उनका कहना था जिंदा है जिंदा है जिंदा है ही एक ही बात की है उनने, और आज तक मेरे को जिंदा नहीं मिला, मरा पड़ा है। उसके मुंह से पानी निकल रहा है, नाक से पानी निकल रहा है, उसे इतना टॉर्चर करके पैरों में काले धब्बे, पैरों के नीचे, हाथों में, यहाँ डंडे की मार, ये गर्दन में मार, नाक में मार, इधर सर पे मार, सब पीठ वीट में पूरी इतनी मार पड़ी है जैसे कि वो बहुत पुराना क्रिमिनल था। मानती हूँ उससे अगर गलती हुई थी उसे सारी उम्र जेल पे रखते, उसे सजा देते, पर उसे जान से तो ना मारते। अभी उसके मरने के बाद उसके पीछे मेरे 2 बाप है, मेरे काका और मेरे पप्पा। मेरा एक भाई पहले मर चुका है, अब उनकी देखरेख कौन करेगा, उनकी देखरेख की जिम्मेदारी कौन लेगा? आज आप लोग सब साथ में हो, कल तो नहीं रहोगे, उनकी देखरेख कौन करेगा, उसको इंसाफ कौन दिलाएगा? मुझे चाहिए मेरे बाप और काका के उनके जीवन निर्वाह के लिए मदद की जाए। वो भी है मदद, वो मदद मिले और नहीं तो एक जन को सर्विस मिले, गवर्नमेंट सर्विस। और आरोपियों को तो पूरी सजा मिलेगी, वो पुलिस को सस्पेंड करो या फिर हमारे हाथ में दो, मैं यही कह रही हूँ। उसके शरीर में कोई पत्थर जैसी हो गई है उसका शरीर, लेकिन उसकी गर्दन लुढ़क रही है, क्या उसकी गर्दन को तोड़ के तो नहीं मारे? मैं ये भी बोल रही हूँ उसका मर्डर किया उन लोगों ने, घर का गुस्सा रहा होगा तो इस तरीके से मारते, पहली बार उसने कोई क्राइम किया, उसको चांस देना था आगे चल के सुधरने का। बता रही हूँ बड़े पुलिस इंस्पेक्टर बड़े वो आए थे घर में उनको अटैक करने के लिए रेडी, और रात को जो ड्यूटी में जो पुलिस ऑफिसर थे, मैं उनका नाम नहीं जानती, सर जानते होंगे, वो पुलिस वाले हाँ उनको दे दिया, उसी टाइम दे दिया। उसके बाद बोले तो तुरंत निकल के दे दिया उसने। तुम्हारी मांग क्या है? हमारा मांग उसको जिंदा रखने का नहीं, खासी उसकी तरफ होना चाहिए, आरोपी को जीव का बदला जीव जाना चाहिए। 3 लोकांनी कुठंतरी एका प्राथमिक शाळेमध्ये 3 वर्षापूर्वी काही चोरी केल्याचा आरोप त्यांच्यावर लावून त्यांच्या घरून बळजबरीने त्यांना पोलीस स्टेशनमध्ये आणून ते फरफटत त्यांच्या घरून पोलीस स्टेशनपर्यंत नेऊन त्यांच्यावर अशा प्रकारे अमानुष अत्याचार करण्यात आलं, त्यांना एवढी मोठी मारहाण करण्यात आली की त्यामध्ये एक राजकुमार कुमार ह्या नावाच्या एका तरुणाचा मृत्यू झाला।
जे पोलीस स्टेशन मध्ये बाकी आणखी दोन आरोपी आहेत त्यांच्याशी मी विचारपूस केली असता त्यांनी सुद्धा मला सांगितलं की आम्हाला अमानुषरीत्या मारहाण केली, गुप्तांगाला मारलं, छातीवर उभे राहून मारले आणि माझ्या निदर्शनास हे आले का जर आता त्यांच्या लवकरात लवकर ट्रीटमेंट नाही झालं तर एखादा त्याच्यातून आणखी मरू शकतो। पण मी हे एक सांगू इच्छितो की सजा देणे हे पोलिसाचं काम नाही, हे न्यायाचं न्याय व्यवस्थेचं काम आहे। चौकशी करणं हे फक्त पोलिसाचं काम आहे। चौकशीच्या अधीन राहून त्यांना न्यायाच्या अधीन त्यांना करणं हे पोलिसाचं काम आहे। त्यांना मारण्याचं, मर्डर करण्याचं किंवा शिक्षा देण्याचं काम हे पोलिसाच्या हातात आणि म्हणून त्या पोलिसांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे ही अशी आमची मागणी आहे। आणि जोपर्यंत ते पूर्ण सस्पेंड होत नाही तोपर्यंत इथून आम्ही सव सुद्धा नेऊ देणार। त्यांची विचारपूस मी केली असता त्यांनी सरळ सरळ सांगितलं की ह्यामध्ये एक बडे पोलीस यादव आणि रेड्डी ह्या तिघांनी मिळून यांना अमानुषरीत्या थर्ड डिग्रीचा वापर करून यांच्यावर खूप प्रमाणामध्ये मारहाण केली, यांच्या गुप्तांगावर मार केलं, यांच्या मानेला मारलं, यांच्या पोटाला मारलं आणि अशा परिस्थितीमध्ये जो मय्यत आहे राजकुमार कुमार हा मृत्यू पडला, याचा मृत्यू झाला आणि त्यामुळे मी SP ला आणि DYSP यांना सर्वांना आम्ही सूचना केल्या आणि इथल्या जनतेचा सुद्धा त्या विरोधात रोष आहे की ज्यांनी यांच्यावर एवढा मोठा अमानुष अत्याचार केला त्यांना कठोर कारवाई मिळाली पाहिजे आणि त्वरित सस्पेंड त्यांना केलं पाहिजे आणि त्यांच्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे अशा प्रकारची मागणी करण्यात। इस अंक में फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए गोंदिया न्यूज़ अपडेट।